हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी को मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आप सभी को जो केक टॉपर्स होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कस्टमाइज अपना कैसे तैयार किया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, तो ये आपका एक ब्लैक कलर में दिख रहा होगा और एक येलो कलर में दिख रहा होगा। तो ये हमारी अलग अलग फाइल है, समझ रहे हो। जैसे कि ये एक हमारी आउटर फाइल हो गई और एक ये हमारी गोल्डन जो पैनल होती है वो ऐसी फाइल हो गई। तो इसको हम पेस्ट करके हम लगा के आपका अपना यूनिक कुछ भी हम बना सकते हैं। चाहे आप अपना यहाँ पे बीच में नाम लिखवा सकते हो, और ये जो हमारी बगल में है जो नाम हमारा किचन बना सकते हो। इसी डिफरेंट टाइप्स के आज मैं ये आज प्रोसेस बताने वाला हूँ, वो थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि ये चीज़ आपका इसमें भी आपका मेन इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है जो आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, इसमें आपका बहुत काम आएगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, तो वैसे ही हम आपका ये काम आने वाला है। जैसे कि देखें, अब आपका ये जो चीज़ है मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है किचन, जैसे कि ये अलग डिफरेंट टाइप का दिख रहा है क्योंकि इसमें हमने कलर नहीं किया, खाली नेम में ही हमारा ब्लैक हो रखा है। तो ये हमारा इंग्रेविंग फाइल है जो हम ट्रांसपेरेंट में किचन्स आपने देखे होंगे कि ये इंग्रेविंग वाले होते हैं और आउटर कटा होता है, तो वैसे ही ट्रांसपेरेंट शीट पे हमारा इस टाइप से हमारी फाइल जाएगी जो हमारी लेज़र मशीन में जाएगी, तो वो इस हिसाब से जाएगी। वो अलग अलग फिर वहाँ पे हमारी जाके ये इंग्रेव होके ऑटोमेटिक कट हो जाती है। तो उसका प्रोसेस भी मैंने वीडियो में डाल रखा है, पहले वीडियो मैंने डाल रखी है उसकी भी आप देख सकते हो। लेकिन जो आज मैं बताने वाला हूँ वो आप काफ़ी ध्यान से देखना। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, और जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आता हूँ, अपना मैंने नाम लिखा, जैसे कि पहले हैप्पी बर्थडे का एक बार टॉपर बना लेते हैं, कस्टमाइज लेंगे। जैसे कि हैप्पी बर्थडे अमन, कोई अमन का नाम से बना लेते हैं, इसको ब्रेक अपार्ट करते हैं। तो स्टाइल भी चेंज कर सकते हो आप, फॉन्ट, जैसे कि फॉन्ट हमने ये ले लिया तो फॉन्ट आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैंने थोड़ा सा बोल्ड ले लिया ताकि ठीक लगे, या फिर एरियल ब्लैक, एरियल ब्लैक देखते हैं। तो ये काफ़ी बोल्ड में लग रहा है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। अब देखो जैसे कि, चलो कोई बात नहीं, आपको फट देने से समझा देता हूँ बिना किसी देरी के। अब मैंने सभी को मैंने सेंटर कर लिया, ठीक है। अब देखो इसमें हमने अगला पॉइंट में क्या है, जैसे कि हमारा ये एक गोल्डन के लिए बनाना है, तो ये हमारी गोल्डन फाइल हो गई, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा गैप मेंटेन करा, ठीक है, हैप्पी बर्थडे अमन, तो हमारे को ये ठीक लग रहा है। तो इसमें हमने क्या किया, पहले आउटलाइन में कलर कर देंगे। आउटलाइन के लिए मैंने बता रखी है, वीडियो डाल रखी है, ट्यूटोरियल्स डाल रखे हैं काफ़ी सारे, वो भी आप देख सकते हो। तो उसमें भी आपको काफ़ी पॉइंट्स जो है टूल्स के बारे में हमने उसमें बता रखे हैं, आप ध्यान से देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि हमने अब यहाँ पे जाना है आउटलाइन पेन में, आउटलाइन पेन में जाना है, आउटलाइन पेन में जाना है। चाहे आप F12 भी दबाएंगे आपको वहां से आपको क्लियर रहेगा, मतलब कि आपका क्लियर रहेगा वो चीज़, आपको F12 दबाते ही आपका सीधा ओपन हो जाएगा। लेकिन अब जब हम ये खाली हम दो बार ये क्लिक करेंगे, जैसे कि अब हमारा लोड हो रहा है 2 सेकेंड, जैसा कि अगर हम ये चीज़ हम बनाएंगे ये दो बार क्लिक करेंगे, जैसे कि हमारा आउटलाइन पेन ओपन हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन अभी हमने सिलेक्ट करना पड़ेगा जब भी हमारा वो होगा, जैसे कि हमने ये ओपन कर लिया, F12 दबाएंगे तो जब भी ओपन होएगा। लेकिन जो आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो तो F12 से काम नहीं करेगा, तो आपको ये डबल क्लिक करना है इसके ऊपर। तो हेयर लाइन आपको थोड़ी सी मोटी लेनी है, 36 ले लेते हैं, जिससे कि आपकी आउटलाइन होगी वो चीज़ कहलाएगी कि हेयर लाइन वही हो गई आपकी।
तो ये आपने ब्लैक ले रखा है, अगर आपने इसके अंदर आपने कलर नहीं किया होता तो वो मैं आपको बताता हूँ फिर क्या होता। तो राउंड कॉर्नर्स लेने हैं या फिर पॉइंट पॉइंटेड लेने हैं वो आपके लिए है, तो मैंने राउंड ले लेता हूँ। पॉइंट में जैसे कि आएगा कि नुकीले टाइप के हो गए, ठीक है ना, ये राउंड हो गए, थोड़े से कर्व होंगे जिस, और ये जो आपके होंगे ये थोड़े से प्लेन होंगे, वहाँ से कोने से प्लेन होंगे। तो हम राउंड कर लेते हैं, पीछे भी फिल चाहिए हमें ओवर प्रिंट, ठीक है ना, उसी के ऊपर। तो हमने ओके किया तो इस टाइप से आ गया। तो हमने क्या किया, अब थोड़ा सा ऊपर ऊपर कर दिया, आपको अभी क्लियर नहीं दिख रहा लेकिन हमें क्लियर है। अब देखो जैसे कि हमारा इसमें कुछ कीज़ दबानी पड़ती है, शॉर्टकट कीज़, तो तीनों को सिलेक्ट किया या अलग अलग ही कर लेते हैं तीनों को। अमन को पहले कंट्रोल शिफ्ट और क्यू दबाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, जिससे कि हमारा ये अलग हो जाएगा, ब्लैक वाला हमारा जो पीछे की है वो ओवर प्रिंट हो जाएगा, वो साइड रह जाएगा हमारा आउटलाइन। वापस से कंट्रोल शिफ्ट और क्यू, कंट्रोल शिफ्ट और क्यू, तीनों को हमने अलग कर दिया। तीनों को हमने अलग कर दिया और यहाँ पे हमने क्रिएट बाउंड्री निकाल ली। क्रिएट बाउंड्री निकाल के हमने यह कर दिया, इसको डिलीट कर लिया हमने, पी दबाएंगे, सॉरी ग्रुप करके पी दबाएंगे तो हमारा आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा आ गया है। एक हमने स्टिक ले ली, मिनिमम ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी ही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमने वेल्ड कर दिया ब्लैक वाले में। तो अब जैसे कि हमारा कैसा आया तो आप देख सकते हो, पीछे वाला हमारा ब्लैक हो गया, ब्लैक एक्रेलिक पे, ये जो हमारी अलग फाइल हो गई, ठीक है, ये आपका गोल्डन फाइल हो गई जो अलग कट होगी। जैसा कि आपको देख रहे हो ये चीज हो गई, आपकी फाइल अलग अलग है, ठीक है ना, लेकिन ये आपका अलग अलग कट होना है, अलग प्रोसेस मैंने पहले जो वीडियो डाल रखी है उसमें मैंने बता रखा है। अब देखो, अब हमारा जो किचन्स का होता है जैसे कस्टमाइज किचन का सेम वैसे ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमारा अलग रहेगा। अब जैसे कि देखो फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर रहे, फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, फॉन्ट ये डाल लेता हूँ। इसको मैंने ब्रेक अपार्ट किया, ब्रेक अपार्ट क्योंकि तो जो हमारा स्पेस रहेगा उसी को हम, सॉरी हमारा ए सिलेक्ट नहीं हुआ था तो हमारा थोड़ा सा अलग आ रहा था। आर को भी सिलेक्ट किया, एस के साथ जॉइंट किया, फिर इसके बाद हमने एच कर दिया। हमने अब ये ऑब्जेक्ट में जाना है, शेपिंग में जाना है, वेल्ड कर देना है। अभी मैं वेल्ड नहीं कर रहा, देखो वेल्ड अभी हमारा जुड़ा नहीं है, तो हम जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट में जाएंगे, शेपिंग में जाएंगे, वेल्ड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया हमारा, अब इसमें ही हमारा ये हो गया। अब देखो अगर मैं कलर नहीं करता, मैंने पहले आपकी जो आपको मैंने बताया था उसमें कलर नहीं करा था येलो, इसमें मैं अगर कलर नहीं करता तो क्या होता है, तो पहले मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, बिहाइंड फिल वही सेम प्रोसेस, लेकिन ऐसे आ रहा है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट क्यू दबाया, लेकिन लेट प्रोसेस होगा, होने के बाद आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। ये देखो होने के बाद आपका कुछ नहीं दिखाई देगा, वो अलग तो होएगा लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना, इसलिए आपको कलर करना ज़रूरी है वो चीज़। जैसे कि हमने कलर किया, यहीं पे हम थोड़ी सी ज़्यादा ले ली हमने, साइज़ आप पहले ही सिलेक्ट कर लो, तो हमने साइज़ छोटा करेंगे तो हमने 12 ले लिया। और कॉर्नर्स जो हमारा पॉइंटलेस है तो ये देख सकते हो, अभी अभी आपका पॉइंट है, राउंड करते हैं, थोड़े से राउंड हो जाएंगे। अगर हम प्लेन करते हैं, प्लेन,
है ना, वही चीज़ है, थोड़ा सा हल्का सा फर्क पड़ेगा। अगर कैप्स लॉक में लिखोगे तो कैप्स लॉक में आपको ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक के बाद हमारा स्मॉल लेटर्स जो है हमारे वो चालू हो गए थे। अब देखो जैसे कि हमने स्मॉल किया तो वो हमारी आउटलाइन है वो बड़ी हो जाती है। अब देखो जैसे कि हमारा साइज़ के अकॉर्डिंग है, हमें साइज़ के अकॉर्डिंग जितना भी लेना है आप ले सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट क्यों दबाओगे तो आपका अलग हो जाएगा, ये चीज़ आपकी बाउंड्री बन जाएगी, ऑब्जेक्ट शेपिंग बाउंड्री, ठीक है ना। पी दबाएंगे, पी दबाएंगे, इसको भी ये सारा आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे आप किचन एक होल देते ही आपका इसमें हमने कंबाइन कर दिया। अब देखो एक चीज़ और, मैं क्या कर रहा था, इसको बाउंड्री क्यों निकाल रहा हूँ, इसमें भी कलर हटा सकता हूँ आपकी बात देखो, ठीक है ना। लेकिन इसको भी मैं अलग कर सकता हूँ ब्रेक अपार्ट करके, जो अंदर का पार्ट है वो सारा अंदर कर दिया, अंदर डिलीट कर दिया, लेकिन वो फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है ना। जैसे कि ये देखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं होल करता हूँ ठीक है, पीछे का होल हमें दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें हमारे को दिखेगा, क्योंकि ये हमारी क्रिएट जो ऑब्जेक्ट का फाइल है वो हमारी अलग क्रिएट हुई है, ठीक है ना। ये देखो अलग क्रिएट हुई है और इसमें हमारा नहीं शो हो रहा, इसमें भी सेम हम वही कर रहे हैं प्रोसेस, लेकिन हमारे में वो नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी हमने अगर बाउंड्री निकाली है, बाउंड्री की हमारी शो होगी ये चीज, ठीक है ना। बस इसमें आपका यही था, जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ ये चीज था। अगले वीडियो में मैं आपको पूरा जो ये है हम कैसे बनाते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। आपने अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप में कुछ भी प्रॉब्लम आती है कोरलड्रॉ में तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसकी भी हम वीडियो डाल देंगे। चाहे आपसे डाउनलोड नहीं हो रहा, चाहे आपसे मतलब कि क्रैक वर्जन चाहिए, या आपको कुछ भी चाहिए तो वो हम वीडियो डाल देंगे, आप बस आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।